नमस्कार जी, न्यूज इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। लुधियाना में फोकल प्वाइंट फेस 8 के अधीन पड़ते मिश्रा ब्रॉयलर में अरेटेंट इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से संगठन के डायरेक्टर टीआर मिश्रा व अध्यक्ष नंदलाल की अगुवाई में बैठक की गई, जिसमें ब्रॉयलर फैक्ट्रियों के मालिक शामिल रहे। मिश्रा ब्रॉयलर के डायरेक्टर टीआर मिश्रा व अध्यक्ष नंदलाल आए हुए पदाधिकारियों को नव नियुक्ति पत्र दिए गए, जिसमें ब्रॉयलर फैक्ट्री के अलग अलग मालिक लेबर इंस्पेक्टर की दलालगिरी से फैक्ट्री चला रही है, वे बिना ऑपरेटर से बॉयलर चलाया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जाए। टीआर मिश्रा ने बताया कि बॉयलर डिपार्टमेंट चलाने के लिए कुछ फैक्ट्री मालिक बॉयलर ऑपरेटर नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से लुधियाना शहर में काफी संख्या में काफी संख्या में बॉयलर फट रहा है, जिससे काफी फैक्ट्री मालिक कम पैसे में मजदूरों की ड्यूटी लगा देते हैं और बॉयलर फटने के बाद मजदूरों की मौत हो जाती है। भ्रष्टाचार के विरोध में कार्य को प्रेरित करने के लिए पंजाब के सभी ब्यालरों पर बॉयलर अरेटेंट रखे जाए, ताकि ब्यालर चलाने वाले लोगों को बीमा व सुरक्षा दिया जाए, ताकि मजदूर काम कर सके। मिश्रा ने बताया कि लुधियाने में 5,500 ब्यालर है। ब्यालरों की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए फैक्ट्री ब्यालर ऑपरेटर नहीं रखे रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी लापरवाही की वजह से ब्यालर फट जाता है और उससे काफी फैक्ट्री मालिक को नुकसान होता है। अगर गलती से भी ब्यालर फटता है तो मजदूर की मौत हो जाती है और फैक्ट्रियों की तरफ से मजदूरों की सुविधा नहीं दी जाती। यह मीटिंग रखने का मुख्य मकसद है कि फैक्ट्री मालिकों को नुकसान न हो और मजदूरों को रोजगार मिल सके। इस मौके पर टीआर मिश्रा ने बताया कि यह एसोसिएशन लगभग 50 सालों से चलाया जा रहा है। इस मौके पर घनश्याम तिवारी, विमल पांडे, सितंबर ठाकुर, मोनिका शर्मा आदि मौजूद रहे। मैं टीआर मिश्रा, कन्वीनर पंजाब बॉयलर अटेंडेंट एंड इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन, अज ए बैठक की गई है संगठन की, क्योंकि अज देखा जाता है कि पंजाब दे विच बहुत ज़्यादातर बॉयलर जड़े है ने और बिना अटेंडेंट चल रहे हैं और उदे करके उन्होंने रख रखाव नहीं हो पाती। सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये बचाने खातर कई कंपनी मालिक फैक्ट्री वाले बॉयलर अटेंडेंट नहीं रखते। उसकी भुगतान किस तरह होंगे है कि वह बॉयलर रख रखाव बिना रहा, इस करके किते न किते हर 2-3 महीने 4 महीने बॉयलर फटता है। फैक्ट्री की बिल्डिंग तबाह होंगी, मशीनरी तबाह होंगी, 5-7-10 बंदे मर जाते हैं। इस करके अज इतने अज मीटिंग रखी और असी मीटिंग दे विच सारे पदाधिकारियों नवे नियुक्ति की गई, उन्होंने नियुक्ति पत्र दिता गया और पूरे पदाधिकारियों बेनती की गई कि तुम सारे जना मिल के, चाहे वह फैक्ट्री वाला है, वह बॉयलर अटेंडेंट नहीं रखता, तो उन्हें बचा ले ही अपा उन्हें कहना है, उन्हें प्रेरित करना है कि भाई तू बॉयलर ऑपरेटर रख ले, जिदे नाल तेरी फैक्ट्री का नुकसान ना आवे, तेरी फैक्ट्री दे बॉयलर ना फटे या कोई नुकसान ना हो। दूजी गल अपा करांगे कि बॉयलर डायरेक्टर बॉयलर से उत्थे जिहड़े बॉयलर डायरेक्टर नहीं रखते अपने नहीं रहन दिंदा, बॉयलर अटेंडेंट तो बगैर ही बॉयलर नूं पास कर दिंदा है, वह बहुत गलत है। असीं कहांगे बगैर अटेंडेंट के बॉयलर पास न किए जान, जिदे नाल दो गल्लां होणगी कि एक तो बॉयलर अटेंडेंट नूं रुजगार मिलेगा, इत्थे अज घट्टो घट 5-6 हज़ार के करीब बॉयलर हैगे ने, जबकि बॉयलर अटेंडेंट हैगा 1,000-1,100। सो इस करके जिहड़े 4-5 हज़ार बॉयलर चल रहे हैं बगैर अटेंडेंट के, उन्हों का नुकसान भी हो सकता है, उन्हों का नुकसान बचाने लिए, फैक्ट्री का नुकसान बचाने लिए, लेबर का नुकसान बचाने लिए कि दुर्घटना ना होवे, फटे ना, उसके नाल नुकसान ना होवे, असीं अजे प्रेरित किया है कि अजे प्रण किया है हर एक बॉयलर पर जावे, हर एक इंडस्ट्री जावे, जिहड़ी इंडस्ट्री गलत है उन्होंने इंडस्ट्री में कहेंगे, तो नाले बॉयलर ऑपरेटर डायरेक्टर नूं कहेंगे कि तू भाई बॉयलर अटेंडेंटा की अपनी जी है इम्तहान कर, परीक्षा बैठा, जिदे नाल रुजगार नवे निकलेंगे और उदे नाल अपना सारे बंदे नूं रुजगार मिलेगा, रोटी मिलेगी, और नाल ये जी दुर्घटनावां होंदियां उदे नाल तमाम नुकसान हुंदा है जन धन का, उन्हों आपां कंट्रोल कर सकांगे। तीजी गल है कि जिहड़े बॉयलर ऑपरेटर रहेंगे जिथे
उत्थे लोकी अजकल कुछ गलत ठेकेदार होंदे ने, कुछ गलत बंदे होंदे ने, वह गलत मटीरियल अपना पास कर देंदे ने, उहदे नाल अपना सारा नुकसान होंदा है कि बाद दे विच पाइपलाइन है या बॉयलर दा पंप है या जिथे प्रेशर आला है वह फट जाता है तो उहदे नाल भी बहुत ज़्यादा नुकसान होंदा है। तो उहदे लई असीं यह कहांगे कि हाँ अपना तुसीं अपना ऑपरेटर है, इंजीनियर है या कोई भी है उसके मुताबिक वो रहूगा तो वो मुताबिक उन्होंने सारा अपना रुजगार मिलेगा, उन्हें इंडस्ट्री का फायदा करना क्योंकि उस फ्यूल की बचत करनी है, उस नुकसान की बचत करनी है। और सब तो बड़ी गल है कि दलालों को अपना बाहर करना है कि जोड़े दलाल होंगे ने बॉयलर तो जान ही नहीं देंगे, पैसे लेके बॉयलर पास करा देंगे ने, उदा ही सारा कुछ कर देंगे ने, उन्होंने अपना रोक करना है कि जड़ा है प्रॉपर बॉयलर इंस्पेक्शन होवे, रिपेयर होवे और कभी बॉयलर फटन के चांस ना रह जान। इस करके अज तुहाडे माध्यम नाल थोनू भी जिथे मैं धन्यवाद दिंदा कि तुसी साडी समस्यावां नू मुख रख के ते उहनां नू सरकार दे सम्मुख ले जा के साडी परेशानी, इंडस्ट्री की परेशानी, बॉयलर ऑपरेटर की, मैनुफैक्चर की, अटेंडेंट की सॉल्व करोगे, उत्थे ही मैं तमाम पंजाब वासियों नू भी उहदा फायदा मिलेगा। ये नाल ही मैं तुहाडा सारिआं दा धन्यवाद करदा। अज जिहड़े अपने नियुक्ति पत्र दिते किन्नेआं नूं दिते आ जी? अज नौ जणिआं नूं दिते ने, प्रधान साडे नंद लाल जी ने, उहदे तों बाद दो उप प्रधान, एक जनरल सैकटरी, एक सैकटरी, एक कैशियर और एक दो उप जॉइंट सैकटरी, ये सारे का मिला के कुछ नौ बंदे का अज नियुक्ति पत्र दिती गई है और उन्होंने नियुक्त किया गया जिहड़े तुहाडे सामने है। तो जो बॉयलर एसोसिएशन ने मेंबर नियुक्त किया है जी, तो क्या ये पूरे लुधियाना इलाके में घूम करके सर्वे करेंगे कहाँ पे बॉयलर लगी है? जी जी, अभी तो ये लुधियाना इलाके में सर्वे करेंगे कि कहाँ कहाँ नियमितता पाई जा रही है, किस किस फैक्ट्री में, लेकिन इसके बाद इन लोगों का, हमारा लोगों का यही आगे चल के पूरे पंजाब में फैलेंगे और पंजाब में फैल के वहाँ के भी शाखाएं बनाएंगे हम, वो वहाँ के भी जो ये ऐसे नुकसान होता है पूरे पंजाब को हम इस संस्था के माध्यम से वहाँ पे जहाँ भी इंडस्ट्री गलत कर रही है या ऑफिस गलत कर रहा है या डिपार्टमेंट गलत कर रहा है उसको हम सुधारेंगे। तो बॉयलर एसोसिएशन अगर मांग कर रही है ऑपरेटर की, रोजगार की और इंडस्ट्री सुधारने के लिए, तो जो दलाल लगे हुए हैं और जो पैसा लेकर के बॉयलर इंस्पेक्टर सर्वे करके पास कर रहे हैं, तो इस मामले को लेकर के पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री से आप लोग क्या मांग कर रहे हैं इस मामले में? आज इसीलिए ये मीटिंग की गई है कि हम लोग पंजाब के मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि जो बीच वाले दलाल हैं इनको निकाला जाए, इसका सिस्टम जैसे केंद्र सरकार ने किया है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अलाउ की जाए, उन इंजीनियरों को जो 8-10 प्राइवेट भी इंस्पेक्शन के लिए लगाए जा रहे हैं जिनको कि ये डायरेक्टर लगाने नहीं दे रहे हैं, वो भी अपने डायरेक्टर उनको थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करें और लोगों को समझाएं कि ये दलाल हट जाए और उसके बाद जो फैक्ट्री का नुकसान हो रहा है या लेबर का, अटेंडेंट का, इसका एम्प्लॉयमेंट का नुकसान हो रहा है उसको रोका जा सके। तो क्या ये एसोसिएशन सरकार को सर्वे करा के देगी दलाल कौन है और कौन क्या है? कि बिल्कुल हम लोग दलाल लेके सारा लिख के कि कौन दलाल है, कौन गलत कर रहा है, कौन इंडस्ट्री गलत कर रही है, कौन अफसर गलत कर रहा है और कौन हमारा आदमी गलत कर रहा है, क्योंकि इससे देखिए सिर्फ अपनी कुछ 15-20 हज़ार रुपया बचाने के लिए फैक्ट्री ऑनर भी ऐसा करता है कि हम अटेंडेंट ना रखें, उसके बाद भी अपना अटेंडेंट ना रखने के साथ साथ वो सोचता है कि अगर इनको रखेंगे तो इनको ESI, PF ये सब भी देना पड़ेगा, तो वो सब ना देना चाहने की वजह से उन लोग ये चाहते हैं कि हाँ हम किसी तरह से बॉयलर ऑपरेटर ना रखें और बॉयलर बिना ऑपरेटर का चलता रहे, 15-20 हज़ार बचाने के चक्कर में उनका करोड़ों रुपया कई बार नुकसान हो जाता है और जो हमारे वर्कर मारे जाते हैं उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि उनको उनके मरने का तो कोई मतलब बाद में कोई सोचता नहीं, 2-5 लाख देके अपना सब फैक्ट्री सब कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों को माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी दुर्घटना हुई है कि फैक्ट्री मालिक खुद बॉयलर फटने से मर गया है और सिर्फ बॉयलर ऑपरेटर ना होने की वजह से 2 रुपए की नौकरी लाखों का सामान जाए। बिल्कुल ठीक है जी, बस वही है कि आप ये समझ के चलें कि जब तक ये अगर इसको ना रोका गया तो पूरे पंजाब में पता नहीं कितना हर वर्ष करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, जिसको हम रोकेंगे, दुर्घटना को रोकेंगे, बॉयलर को स्मूथली चलाने के लिए कोशिश करेंगे।